भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्धप्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। और हाँ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरी बातों का आप लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप हर बार ऐसे गलत करते जाएंगे, गलत बोलते जाएंगे और मैं चुप रहूँगा, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि गलत देखकर सहन करना ये भी गलत बात है। इसलिए मैं बोलूँगा, कहूँगा मुझे जो कहना है। क्या है ना, अगर हमें सामने कोई प्यासा व्यक्ति दिखता है तो हम उसे पानी देते हैं, ठीक उसी तरह कोई असहज व्यक्ति दिखता है ना, तब उसे सहज करने की कोशिश करनी चाहिए, कमजोर क्षणों में उसे थोड़ी ताकत देने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसका आत्मविश्वास तोड़ना चाहिए और ऐसे सवाल पूछकर खड़े खड़े नाटक करने की कोशिश करनी चाहिए। देखे देखे का बाकी टाइम तो हम लोगन का ही सुनावत रात रहा, लेकिन ई बार तो बुआ का भी सुना डालिस। अरे संस्कार ही नहीं है। अरे भीम अपने सामने किसी को कुछ समझता है क्या? अपनी बुद्धि के सामने सबको बेवकूफी समझता है, लेकिन देखो एक उसकी ये बुआ जिसे कुछ बुरा नहीं लगा। हाँ नहीं लगा बुरा, और क्यों लगेगा बुरा, बल्कि अच्छा लगा। भीम ने अपनी सही बात सबके सामने रखी और वो भी एक सुर में। पर वो लड़ाई भी तो बराबरी की लड़ते हैं ना, तो यह बराबरी कैसे नहीं करते? रमा इन लोगों को क्या समझा रही हो? चल हम लोग जाकर जीजाबाई से बात करते हैं, अगर भीम ने कुछ कहा है तो वो मानते हैं। वैसे ये जीजा भाई कहाँ मिल गए तुम्हें, बताओ ना, तुम तो ऑफिस गए थे। ऑफिस से मालिक के घर जा रहा था मैं घड़ी लेने, तो वहां रास्ते में जीजा भाई जी मिल गए। घड़ी लेने जा रहा था? हाँ मालिक ने कहा कि जाओ और मेरे घर से घड़ी लेकर आ। जानबूझकर किया होगा ताकि तुम्हें नीचा दिखा सके। मैं तो कहता हूँ छोड़ दो नौकरी, कुछ नया काम कर ले, जैसे पहले नए नए काम ढूंढता था वैसे। नहीं बाबा, सारी संभावनाओं के खत्म होने से पहले मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकता। मुझे तो लगता है कि जीजाबाई जी और मेरी जिंदगी एक जैसी है, उनके लिए भी आसान है ऐसे घर छोड़कर भाग जाना, लेकिन मुश्किल है उसी घर में रहकर जीवन का संतुलन बनाना, हर तरह की भावनाओं पर काबू पाना। वैसे ही मेरे लिए भी बहुत आसान है नौकरी छोड़ना, मगर मैं वहां रहकर हर तरह की संभावनाओं को तलाशूंगा, और वहां गया था हौसले के साथ, तो हौसले का एक कतरा रहते हुए मैं नौकरी छोड़ नहीं सकता। चलता हूं। नमस्ते, सचेतक समाचार अखबार के मालिक का घर कहाँ है पता है आपको? मुझे अभी जाना है।
हाँ, यहीं खड़े होकर के चिल्ला, मालिक का घर कौन सा है, मालिक का घर कौन सा है, आवाज जाएगी। चिल्ला, सुना है तुम्हारी आवाज बड़े बड़े अधिकारी सुन लेते हैं, बड़ौदा के महाराज तक ने सुन लिए, तो मालिक का घर नहीं सुनेगा। भीमराव, तुम तो बहुत जिद्दी इंसान हो और तुम्हारे इरादे भी मजबूत है, तो एक काम करो ना, यहीं धरना देके बैठ जाओ ना, जब तुम्हारा काम हो जाए चले जाना। धरना देने जितना बड़ा काम नहीं है मेरा, उनके घर जाकर एक घड़ी लेनी है और वापस ऑफिस जाना है। ठीक है, मैं समझ गया, आपको नहीं बताना है, मैं चला जाता हूँ। अरे वो तुम्हें बेवजह बेवकूफ बनाकर धूप में भगा रहे हैं। हाँ, और सही भी तो है, वैसे भी तुम ठहरे निम्न जात के, जो तुम्हारे साथ हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। अरे हमारे तरह थोड़ी ना अपने मर्जी का मालिक हो, मुझे देखो, मैं तो कपड़े की दुकान पे काम करता हूँ, खाना खाने आया था, यहाँ बैठ के बात भी कर रहा हूँ, जब मन होगा चला जाऊंगा, कौन पूछने वाला है। मतलब आप अपने काम के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने मालिक के साथ छल कर रहे हैं। जीवन में ऐसे छोटे छोटे छल कब बड़े बन जाते हैं हमें समझ में नहीं आता। ये सब मत कीजिए, गलत है ये सब। ए, हमें सिखाओ मत, ठीक है, अपना काम करो, आगे जाओ, आगे से दाएं घड़ी मिल जाएगी, जाओ। जगजीवन हारे, मालिक मैं आ ही रहा था। अरे माफ कर दो मालिक, मालिक मालिक माफ कर, माफ कर दो। ये क्या कर रहे हैं आप? मालिक माफ कर दो, मालिक 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 माफ कर दो, माफ कर दो मालिक, माफ कर दो, माफ कर दो मालिक, आगे से ऐसे गलती नहीं करूंगा मालिक। रोज खाने के नाम पे दो घंटा क्या बैठते हो? क्या लगता है रोज धोखा दोगे हमें पता नहीं चलेगा? रुकिए, देखिए वो कह रहे हैं ना गलती हो गई, आगे से नहीं करेंगे, ऐसे मारिए मत। कौन हो तुम? अपना काम करो, निकलो ऐसे, चल तुम। अरे अरे देखिए साहब, साहब उन्हें मारिए मत। देखा, इसीलिए मैं कह रहा था अपने काम के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए। फिर आप चाहे जिस जात के हो, चाहे जिस समाज के हो, चाहे जो हो, कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। आप भी ऐसा मत कीजिए। आपको क्या लगा ये मालिक की घड़ी लेकर जाने का काम मुझे अच्छा लग रहा है? नहीं, मुझे भी वो उतना ही निरर्थक लग रहा है जितना आपको लग रहा होगा। लेकिन क्या है ना, कभी कभी हमारे काम के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं और कुछ काम कर्तव्य के रूप से किए जाते हैं, किसी का मान रखने के लिए किए जाते हैं। वैसे ही मेरे मालिक का मान रखने के लिए मैं ये काम करने जा रहा हूँ। भीम को शाप दूंगी, सुबह शाम शाप दूंगी कि भीम जिंदगी में एक भी पल खुश ना रह सके। भीम इस दुनिया का सबसे हरा हुआ। निकलो यहां से, निकलो। आज हम रमा से बात करेंगे, खाने में क्या खाएंगे? क्या हुआ दीदी? रमा, वो आज हम काम पर गए तो उन्होंने हमारे कल के पैसे काट लिए। हमने बहुत मेहनतें की कि कल हमें काम था, मगर उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी। इतने अमीर लोग हैं, पता नहीं हम गरीब लोगों की ऐसे तनख्वाह काटने की क्या जरूरत पड़ती है। तुम्हें नहीं लगता भीमराव कि तुम्हारे इस तमाशे से लोगों का नुकसान भी होता है? भीमभाव, आप यहाँ क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं भाभी। पर ऐसे तो आप खोए हुए नहीं रहते हैं, बताइए ना क्या हुआ। नहीं भाभी,
ऐसा कुछ नहीं है। बताइए ना भीम भाव, मैं बताती हूँ क्या हुआ। कुछ बताने की जरूरत नहीं है रमा। अपनों के बीच क्या छुपाना है दीदी, इन्होंने सुन लिया ना कि आप दोनों की तनख्वाह काट ली गई है, तो अब इन्हें लगने लगा होगा कि इनकी वजह से आप दोनों का नुकसान हुआ। ऑफिस के मालिक सही कहते हैं, मेरे संघर्षों की वजह से सिर्फ फायदा ही नहीं, कई बार नुकसान भी होता है। भीमबाव, दीदी आप चिंता मत कीजिए, और आपके समझाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर एक बार इनके दिल को कोई बात छू गई ना, तो वो छू गए, अब वो अपने हिसाब से उस पर सोचेंगे, समझेंगे, निष्कर्ष तक जाएंगे, और इस प्रक्रिया में उनकी कोई मदद नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। इसलिए अब चलिए, हम सबके लिए खाना परोसते हैं। भीमराव, खुद को मालिक समझते हो क्या? मैंने क्या किया? अरे क्या किया छोड़ो, दस्ताना पहनो और इसकी मदद करवाओ। क्या किया? हाँ मैं तो मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने सोचा कुछ काम करने जाऊंगा तो आप डांट देंगे, क्यों छुआ ऐसा सब कहने लगेंगे, तो इसलिए बस खड़ा होकर देख रहा था, नहीं तो काम करने के लिए तैयार हूँ मैं। दस्ताने पहनो, इस सारे गट्टर बाहर रखने। ठीक है। नमस्कार सेठ जी। नमस्ते साहब। नमस्ते सर। हाथ जोड़कर नमस्ते नहीं कर सकते? आगे से आऊं तो जैसे हो पहले नमस्ते करो फिर काम करो, अगर हाथ में सामान है तो उसे रखो, नमस्ते करो फिर सामान उठाओ, ठीक है? हाँ या ना? वैसे मुझे ये सही तो नहीं लग रहा है सर कि हाथ में कुछ भारी सामान हो और तब मालिक आ जाए तो पहले सामान रखकर हाथ जोड़कर नमस्ते कर लेना चाहिए, ये जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन आप कह रहे हैं तो बात माननी होगी, कल से करूंगा। अरे बहुत नाटक है तुम्हारे पास, तुमसे बात करता हूं तो दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग अच्छा कर लीजिए सेठ जी। आइए आइए दरोगा साहब, बताइए कैसे आना हुआ? आपके अखबार के लिए एक दमदार खबर लेकर आया हूँ। क्या खबर है? थोड़ी देर बाद पुणे की ट्रेन बंबई आने वाली है और उस ट्रेन से कुछ खूंखार अपराधी लाए जा रहे हैं जिन्हें पुणे के जेल से भाईखला के जेल में ट्रांसफर किया जाएगा। और हाँ, कल के अखबार में ये मुख्य सूचना लिखी है कि वो सारे के सारे अपराधी निम्न जाति के हैं। क्या कहा दरोगा? ओ, बाहर था मैं तो ठीक से सुन नहीं पाया, वो आखिरी पंक्ति जरा फिर से बोल के बताइए ना। यही कि वो सारे के सारे अपराधी
निम्न जाति के हैं। अच्छा, अब समझा मैं। ओ, सारे के सारे अपराधी निम्न जात के हैं, इस भीमराव की जात के। इनकी जात वालों से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। और भीमराव, सारे खोखार अपराधी तुम्हारे जात के हैं और ये बात सत्य है, और फिर क्यों तुम अपने जात के लोगों को मासूम, कमजोर, प्रताड़ित और शरीफ बनाने में लगे रहते हो? ये भ्रम है तुम्हारा, अरे तोड़ो इसे। ऐसे कैसे भ्रम टूटेगा इसका? इसका भ्रम तोड़ने के लिए ना इसे भेजिए अपराधियों के बीच। ये जाए, अपराधियों के साथ रहे, उनकी शक्लें, वेशभूषा, उन सबको पास से देखे, समझे, तब जाके कल की कहानी तैयार करे। ऐसी कहानी तैयार करे ना कि सबको ये साफ साफ समझ में आए कि वो सारे के सारे खूंखार अपराधी जो हैं, वो सब इसकी निम्न जात के हैं। बस हो गया, तब से निम्न जात के अपराधी निम्न जात के अपराधी कह रहे हैं। अब अपराधी है तो अपराधी है, उसमें जात का क्या संबंध है? भीमराव, यहां आओ। जी। ये कापी और कलम लेकर जाओ और सबके बारे में सूचना लेकर आओ। अरे ले लो, काम चाहिए ना तुम्हें, तो काम दे रहे, लो और जाओ। जी। जाता हूं। रुकिए, लोह भस्म हो जाए।